हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेनू शर्मा लाइफस्टाइल ब्लॉग। आज मैं बनाऊंगी मटर पनीर। तो चलिए देखते हैं आज मैं मटर पनीर कैसे बनाती हूँ। देखिए, मैंने पनीर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब मैं इसे फ्राई करूंगी। मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब मैं तेल डालूंगी। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब मैं डालूंगी पनीर। पनीर को गोल्डन ब्राउन करना है। देखिए फ्रेंड, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इन्हें प्लेट में निकाल लूंगी। पाती को भी मैं तल लूंगी। गोल्डन ब्राउन हो चुका है, भी निकाल लूंगी प्लेट में। देखिए फ्रेंड, मैंने दो बड़ी साइज की प्याज कट कर लिया है। टमाटर दो और अदरक लहसुन, इन सबको मैं पेस्ट बनाऊंगी। और ये ग्रीन मटर एक कटोरी, इन सबको मैं सैलो फ्राई करूंगी। उसके बाद इसका पेस्ट बनाऊंगी। सैलो फ्राई करना है, इसके बाद मिक्सर में डाल के पेस्ट बना लूंगी। देखिए फ्रेंड, गोल्डन ब्राउन हो चुका है प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन। अब मैं इसे निकाल लूंगी थाली में।
फिर इन सब का पेस्ट बनाऊंगी मैं। देखिए पेस्ट रेडी है। कढ़ाई में तेल ऑलरेडी था इसलिए मैं तेल नहीं डाल रही हूँ। अब इसके अंदर जाएगा तेजपत्ता और इसके बाद मसाले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर एक बड़ी चम्मच, धनिया पाउडर एक बड़ी चम्मच, जीरा पाउडर आधी चम्मच, उसके बाद जो मेरा पेस्ट रेडी है मैं डालूंगी इसके। पेस्ट तो ऑलरेडी भुना हुआ है इसलिए मैं इसको ज़्यादा भून लूँगी नहीं। ग्रीन मटर डालूंगी, इसके अंदर जाएगा नमक स्वाद अनुसार, अब मैं डालूंगी गरम मसाला, उसके बाद कसूरी मेथी मैंने हल्का रोस्ट कर लिया, अब इसको क्रश करके डाल दूँगी। इससे टेस्ट अच्छा आता है। अब हमारा मसाला भुना गया है, अब मैं पानी डालूँगी, एक छोटे गिलास पानी। मटर को ढककर 5 मिनट के लिए पका दें। अब इसको ढककर 5 मिनट के लिए पका लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर जाएगा पनीर। अब मैं पनीर डाल देती हूँ इसके अंदर। बस 5 मिनट पकाना है। देखिए फ्रेंड्स कलर कितना अच्छा आया है। इसे ढक देती हूँ, 5 मिनट पका दूँ। देखिए फ्रेंड अब हमारा मटर पनीर रेडी हो चुका है। अब मैं गैस को कर दूँगी बंद। हम इसे बॉल में निकाल लेते हैं।
मटर पनीर का रेसिपी कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में। देखिए मटर पनीर हमारा रेडी हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।